हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं सीयूटी एग्जाम यदि आप दे रहे हैं स्टूडेंट्स, और यदि आपने वहां पर सब्जेक्ट में बायोलॉजी सेलेक्ट किया हुआ है, यदि स्टूडेंट्स आपने एबीसी से पेपर दे रहे हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी, या स्टूडेंट्स आप केमिस्ट्री से पेपर दे रहे हैं, या स्टूडेंट्स आप पी ठीक है सीबी से पेपर दे रहे हैं, यदि आप इन सब्जेक्ट से भी पेपर देना चाहते हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी स्टूडेंट्स फिजिक्स से पेपर देना चाहते हैं, या स्टूडेंट्स आप एबीसी से पेपर दे रहे हैं, या स्टूडेंट्स आप पीसीबी से पेपर दे रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को बायोलॉजी में क्या पढ़ना होगा इस पर हम चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको बायोलॉजी में टोटल 5 यूनिट पढ़ना होगा यदि आप सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपको 5 यूनिट में पहला रिप्रोडक्शन पढ़ना होगा स्टूडेंट्स, प्रजनन। सेकंड यूनिट में स्टूडेंट्स आपको जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन पढ़ना होगा स्टूडेंट्स, अनुवांशिकी और विकास। थर्ड यूनिट में स्टूडेंट्स आपको बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जीव विज्ञान और मानव कल्याण। बायोटेक्नोलॉजी एंड स्टूडेंट्स इट्स एप्लीकेशन आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना होगा, जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग। यूनिट नंबर 5 में स्टूडेंट्स आपको इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट पढ़ना होगा, पारिस्थितिकी और स्टूडेंट्स पर्यावरण आपको यहां पर देखना होगा। यूनिट 1 में स्टूडेंट्स आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करना होगा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आपको स्टूडेंट्स देखना होगा। तो स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर एंड्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन असेक्चुअल एंड सेक्चुअल, ये सब पढ़ना होगा स्टूडेंट्स आपको। बाइनरी फ्यूजन पढ़ना होगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर वर्डिंग ठीक है गैम्यूल्स स्टूडेंट्स फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावरिंग स्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल ठीक है गैमिट्स आपको देखना होगा। पॉलिनेशन देखना होगा स्टूडेंट्स आपको। एजेंसीज एंड एग्जाम्पल देखना होगा। ब्रीडिंग देखना होगा स्टूडेंट्स आपको। पॉलन देखना होगा। डबल फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन ठीक है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म ठीक है एम्ब्रॉय स्टूडेंट्स आपको देखना होगा। डेवलपमेंट ऑफ सीड देखना होगा। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स देखना होगा स्टूडेंट्स आपको। तो स्टूडेंट्स आपको इसके साथ में ठीक है एनोकार्पी स्टूडेंट्स देखना होगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन यहां पर देखना होगा। तो स्टूडेंट्स आपको प्रजातियां देखना होगा यहां पर स्टूडेंट्स आपको। जीवों की विशेषता देखना होगा। प्रजनन के तरीके अलैंगिक लैंगिक मोड वायरी स्टूडेंट्स विखंडन आपको देखना होगा। पौधों के वनस्पतिक प्रसार देखना होगा ठीक है। यौन प्रजनन देखना होगा। फूलों की संरचना नर एवं मादा ठीक है गैमेटोफाइट्स देखना होगा स्टूडेंट्स। परागण के प्रकार देखना होगा। ब्रीडिंग डिवाइस देखना होगा स्टूडेंट्स आपको। निषेचन देखना होगा। एंडोस्पर्म ठीक है जायगोस्पर्म स्टूडेंट्स आपको। भ्रूण का विकास बीज का विकास फल का निर्माण कैसे होता है पार्नेथोकार्पी स्टूडेंट्स आपको देखना होगा। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन का स्टूडेंट्स आपको जो सेकंड चैप्टर देखना होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स, तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना होगा। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी देखना होगा ठीक है। गैमेटोजेनेसिस आपको देखना होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद में आपको यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखना होगा ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ठीक है प्रेगनेंसी एंड द ठीक है प्लेसेंटा फॉर्मेशन देखना होगा। पास्चराइजेशन देखना होगा स्टूडेंट्स आपको। लैक्टेशन देखना होगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखना होगा। नीड ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्चुअली टर्मिनेटेड डिसीजेज देखना होगा स्टूडेंट्स आपको। बर्थ कंट्रोल नीड एंड मेथड्स देखना होगा स्टूडेंट्स आपको ठीक है। कॉन्सेप्चुअल स्टूडेंट्स आपको देखना होगा। मेडिसिन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी देखना होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको यहाँ पर सारे टॉपिक देखना होगा। आई वी एफ स्टूडेंट्स आपको देखना होगा। जी आई एफ टी देखना होगा स्टूडेंट्स आपको। स्टूडेंट्स नर और मादा प्रजनन प्रणाली वृषण और अंडाशय सूक्ष्म शारीरिक संरचना युग्म जनन स्टूडेंट्स आपको देखना होगा। शुक्राणु जनन आपको देखना होगा। अंड जनन मासिक धर्म कैसा होता है निषेचन भ्रूण विकास ठीक है। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर देखना होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। गर्भ निरोधक क्या होगा गर्भावस्था में चिकित्सा क्या होगी बांझपन स्टूडेंट्स आपको देखना होगा। ये सारे टॉपिक स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर कवर करने होंगे। और यदि स्टूडेंट्स आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं सीयूटी एग्जाम की और आप यदि कोचिंग करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो बहुत कम फीस में स्टूडेंट्स आप कोचिंग कर सकते हैं। जिन भी बच्चों को स्टूडेंट्स कोचिंग ज्वाइन करना है तो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा रिजल्ट हमारी कोचिंग से आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर में बायोलॉजी में, और स्टूडेंट्स आपके मैथ सेगमेंट में स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन हुए हैं हमारी कोचिंग से हुए हैं। यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो एक दिन स्टूडेंट्स आप फ्री डेमो क्लासेस लगाकर देख सकते हैं। बहुत ही कम फीस में स्टूडेंट्स आपको यहां पर फुल कोर्स विथ रिवीजन कराया जाएगा। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स आपको डेली टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट और स्टूडेंट्स आपको सभी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं जरूर कॉल कीजिएगा स्टूडेंट्स। सेकंड यूनिट्स में आपको जेनेटिक्स में स्टूडेंट्स और एवोल्यूशन में स्टूडेंट्स आपको क्या देखना होगा तो हेरिडिटी एंड स्टूडेंट्स आपको वेरिएशन देखना होगा। आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स मेंडेलियन इनहेरिटेंस देखना होगा स्टूडेंट्स। मेंडल की नियम देखना होगा। डेविएशन फ्रॉम द मेंडल ठीक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस स्टूडेंट्स कोडोमिनेंस मल्टीपल एलील्स स्टूडेंट्स आपको देखना होगा। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स ठीक है स्टूडेंट्स आपको। प्लेयरोट्रॉपी एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ ठीक है पॉलीजेन हेरिटेंस स्टूडेंट्स आपको देखना होगा। क्रोमोसोम स्टूडेंट्स ठीक है हनी भी पढ़ना होगा। लिंकेज स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर देखना होगा। सेक्स लिंकेज स्टूडेंट्स आपको देखना होगा। हेमोफीलिया स्टूडेंट्स आपको देखना होगा। कलर ब्लाइंडनेस आपको पढ़ना होगा। मेंडल के स्टूडेंट्स आपको सारे नियम देखना होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको ये टॉपिक करना होगा। आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा।
आपको यहाँ पर डाउन सिंड्रोम हो गया आपका, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, थैलेसीमिया हो गया मनुष्यों में, ठीक है, क्रोमोसोमल विकार हो गया स्ट्रेंस आपका, लिंकेज हो गया, सेक्स लिंक्ड हो गया स्ट्रेंस आपको, मधुमक्खी पक्षियों के बारे में लिंग निर्धारण गुणसूत्र वगैरह मेंडल के स्ट्रेंस आपको सारे नियम यहाँ पर पढ़ने होंगे जेनेटिक्स से संबंधित। सेकंड स्ट्रेंस आपका जो चैप्टर रहेगा यूनिट सेकंड में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्ट्रेंस आपको देखना होगा, सर्च ऑफ जेनेटिक्स मटेरियल एंड डीएनए स्ट्रेंस आपको देखना होगा, डीएनए आरएनए में क्या अंतर स्ट्रेंस आपको वो देखना होगा, स्ट्रेंस आपको जेनेटिक्स कोड देखना होगा, ठीक है, उसके बाद में स्ट्रेंस आपको जीन्स देखना होगा, ये एवोल्यूशन स्ट्रेंस आपको देखना होगा। इसके बाद में स्ट्रेंस यदि हम बात करेंगे हार्डी, ठीक है, वेगिंगर का प्रिंसिपल देखना होगा, स्ट्रेंस अडेप्टेड रेडिएशन देखना होगा, ह्यूमन एवोल्यूशन स्ट्रेंस आपको देखना होगा, ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। तो स्टूडेंट्स आपको अनुवांशिक डीएनए आरएनए स्टूडेंट्स आप ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, मानव जीनोम स्टूडेंट्स आपको देना देखना होगा, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए डीएनए ये सब पढ़ना होगा, डार्विन का योगदान आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स, आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत आपको पढ़ना होगा, अनुवांशिक आपको, ठीक है, हार्डी वेनबर्ग स्टूडेंट्स आपको सिद्धांत देखना होगा, ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। स्टूडेंट्स आपको यूनिट थर्ड में स्टूडेंट्स क्या देखना होगा, हेल्थ एंड डिसीज आपको देखना होगा, पैथोजेंस स्टूडेंट्स आपका पैरासाइट्स कॉजिंग इन ह्यूमन डिसीज आपको देखना होगा, मलेरिया, ठीक है, फ्लोरिसिस स्टूडेंट्स आपको देखना होगा, एस्कारशियस स्टूडेंट्स आपको देखना होगा, टाइफाइड हो गया आपका स्टूडेंट्स, निमोनिया होगा, कॉमन कोल्ड होगा स्टूडेंट्स आपका, ठीक है, अमोबेसिस स्टूडेंट्स आपको देखना होगा, रिंग बॉर्म स्टूडेंट्स आपको देखना होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट्स आपको इम्यूनोलॉजी स्टूडेंट्स देखना होगा, वैक्सीन वगैरह देखना होगा, कैंसर एचआईवी एड्स, ठीक है, ये सारी ड्रग्स वगैरह होगा, एल्कोहल होगा स्टूडेंट्स आपका, एडल्ट स्किन होगा स्टूडेंट्स आपका, फिर स्टूडेंट्स आपको फूड प्रोडक्शन पर जाना होगा, प्लांट ब्रीडिंग देखना होगा, टिश्यू कल्चर स्टूडेंट्स आपको जाना होगा, सेल प्रोटीन जाना होगा, बायो फर्टिफिकेशन स्टूडेंट्स आपको देखना होगा, फिर स्टूडेंट्स आपको एपिकल्चर देखना होगा, एनिमल हस्बेंड्री देखना होगा, माइक्रोब्स स्टूडेंट्स इन ह्यूमन वेलफेयर आपको देखना होगा, हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग देखना होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखना होगा, सीवेज ट्रीटमेंट देखना होगा, एनर्जी जनरेशन देखना होगा, ठीक है, एज बायो कंट्रोल स्टूडेंट्स एजेंट आपको देखना होगा, बायो फर्टिलाइजर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, स्वास्थ्य और स्टूडेंट्स रोग रोग जनक मादा में पैदा होने वाले स्टूडेंट्स मानव में जो भी रोग पैदा होते हैं मलेरिया फाइलेरिया, ठीक है, स्कारसीएसिस टाइफाइड निमोनिया सर्दी नॉर्मल, ठीक है, एमबीबीएसिस आपको दांत खाद देखना होगा, इम्यूनोलॉजी की बुनियादी टीके कैंसर एचआईवी एड्स, ठीक है, नसील दवाएं शराब वगैरह स्टूडेंट्स आपको पादप प्रजनन, ठीक है, ये प्रोटीन्स वगैरह कोशिका मधुमक्खी पालन पशुपालन ये सारे चीजें स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर देखना होगा टॉपिक कवर करना होगा। फिर स्टूडेंट्स आपका यूनिट फोर में आपको क्या पढ़ना होगा प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स आपको जेनेटिक्स इंजीनियरिंग आएगा रिकॉम्बिनेंट्स डीएनए टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर ह्यूमन इंसुलिन एंड वैक्सीन प्रोडक्शन जीन्स थेरेपी ठीक है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बीटी क्रॉप्स स्टूडेंट जेनेटिक्स एनिमल्स बायोसेफ्टी इशू ठीक है बायोप्रिएसिस्टेंस एंड पैटर्न्स आपसे पेपर में पूछा जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और प्रक्रिया आपसे पेपर में पूछी जाती है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको अनुवंशिक इंजीनियरिंग पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य और कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग मानव इंसुलिन और वैक्सीन उत्पादन जीन थेरेपी अनुवंशिक रूप से संशोधित जीव बीटी फसलें ट्रांसजेनिक पशु जैव सुरक्षा मुद्दे ठीक है ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर पढ़ना जरूरी है। अब स्टूडेंट्स यूनिट फाइव में आपको क्या पढ़ना होगा तो स्टूडेंट्स यूनिट फाइव में स्टूडेंट्स आपको इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट आपको पढ़ना होगा स्टूडेंट्स। तो ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट में आपको स्टूडेंट्स हैबिटेटेड एंड ठीक है नेसेस स्टूडेंट्स पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल एडाप्टेशन स्टूडेंट्स आपसे आएगा, पॉपुलेशन इनहेरिटेशन स्टूडेंट्स आपसे आएगा, म्यूटलिज्म स्टूडेंट्स आपसे आएगा, कॉन्सेप्चुअल प्रेडेटेशन स्टूडेंट्स आपसे आएगा, प्रेडेटेशन स्टूडेंट्स आएगा, पॉल्यूशन एट्रीब्यूट्स आएगा, ग्रोथ आएगी, बर्थ रेट्स आएगा स्टूडेंट्स, डेथ रेट स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछा जाएगा, एज डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करोगे, इकोसिस्टम आएगा, पैटर्न ठीक है, कॉम्पोनेंट स्टूडेंट्स आपसे आएगा, प्रोडक्टिविटी एंड द डिकम्पोजिशन आएगा, एनर्जी फ्लो आएगा ठीक है, पैरामाइड स्टूडेंट्स आपसे नंबर पूछा जाएगा, बायोमास आएगा, एनर्जी न्यूट्रिशन साइक्लिंग स्टूडेंट्स आपसे आएगा, कार्बन एंड फॉस्फोरस, इकोलॉजिकल स्टूडेंट सक्सेशन आपसे आएगा, इकोलॉजिकल सर्विस स्टूडेंट्स आपसे आएगा, कार्बन फिक्सेशन स्टूडेंट्स और पॉलिनेशन और ऑक्सीजन रिलीज स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स आपसे जीव और पर्यावरण में पर्यावरण और आला स्टूडेंट्स आपसे आएगा, जनसंख्या और परिस्थिति आएगा, अनुकूलन जनसंख्या परस्पर क्रियाएं जो हो रही वो आएगा स्टूडेंट्स आपसे, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जन्म दर मृत्यु दर स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछा जाएगा, परिस्थिति तंत्र पूछा जाएगा स्टूडेंट्स आपसे, बायोमास आएगा स्टूडेंट्स आपसे, पोषण चक्र पूछा जाएगा स्टूडेंट्स आपसे। स्टूडेंट्स ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर करने होंगे। फिर स्टूडेंट्स आपसे इसमें सेकंड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन स्टूडेंट्स आपसे आएगा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी स्टूडेंट्स लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब स्टूडेंट्स पूरा टॉपिक आपका बायोडाइवर्सिटी पर बेस होगा, जैव विविधता और उसका संरक्षण पर स्टूडेंट्स। तो आपको स्टूडेंट्स पूरा जैव विविधता और संरक्षण पढ़ना होगा, राष्ट्रीय उद्यान स्टूडेंट्स आपसे
पढ़ना होगा, नेशनल पार्क और स्टूडेंट्स आपसे सेंचुरीज इसमें पूछी जाएगी, बायोस्फीयर रिजर्व स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछा जाएगा, रेड डाटा बुक क्या होता है जो प्राणी विलुप्त तो होने लगे उनका डाटा स्टूडेंट्स आपको इसमें रखना होता, तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर देखना होगा। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद में आपको इस चैप्टर में थर्ड में एनवायरमेंटल इशू आपसे पेपर में आएगा, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल आएगा, एग्रोकेमिकल कंट्रोल स्टूडेंट्स आपसे आएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आएगा, रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट आएगा, ग्रीन हाउस स्टूडेंट्स, पॉली हाउस वगैरह, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है, ओजोन डिप्रेशन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स आपसे, डिफॉरेस्टेशन क्या हो रहा है, एनी थ्री कॉसेस स्टडीज वगैरह स्टूडेंट्स आपसे पूछी जाएगी। तो पर्यावरण के पूरे मुद्दे स्टूडेंट्स आपको यहाँ याद रखना होगा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, कृषि से स्टूडेंट्स जो होने वाले प्रदूषण है, अपशिष्ट रेडियोधर्मी जो प्रदूषण हो रहा है, ग्रीन हाउस में क्या हो रहा है, ठीक है, आपका ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है, वनों की कटाई के बाद में क्या हो रहा है, ओजोन में जो हाश हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स सामाजिक मुद्दे आपसे यहाँ पर पूरा पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जो भी बच्चे स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और यदि स्टूडेंट्स आप कोचिंग करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9407380 पर स्टूडेंट्स आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और एक दिन स्टूडेंट्स आप डेमो क्लास लगाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स डेमो क्लास लगाने के लिए इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना नाम, सब्जेक्ट और एड्रेस, साथ ही साथ में स्टूडेंट्स आप बता दीजिएगा कि आपको किस एग्जाम की तैयारी करना है, तो स्टूडेंट्स आप बहुत ही कम फीस में कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स ऐसी अन्य वीडियो में, वीडियो को ऐसे ही देखने के लिए स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट एग्रीकल्चर बायोलॉजी और आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर मैथ्स स्ट्रीम वाले बच्चों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।